दोस्तों, टेक्निकल एम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्लूटूथ से आप अपने मोबाइल में कैसे इंटरनेट चला सकते हैं। दोस्तों, आप ब्लूटूथ से फ्री में इंटरनेट चला सकते हैं बिना किसी इंटरनेट डाटा के। यदि दोस्तों आप भी इस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं, साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल प्रेस करें, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें नाइस वीडियो जरूर लिखें। तो दोस्तों, उसके लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल में ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। तो हम यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों, मैं ब्लूटूथ को ऑन करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो डिवाइस आ जाएंगी जिसके साथ हमने ब्लूटूथ से अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। दोस्तों, मैं इस वाले ब्लूटूथ से इस मोबाइल को कनेक्ट करूंगा और आप देख सकते हैं इसमें कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर यूट्यूब प्ले करके भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा इंटरनेट जो है बंद है। अब दोस्तों, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करना है। पहले दोस्तों, जो आपका दूसरा मोबाइल है उससे आपने इस फोन को कनेक्ट कर लेना है, इस वाले फोन को। जैसे ही दोस्तों आप इस मोबाइल से ब्लूटूथ को ऑन करेंगे, उसके बाद आपने इस वाले मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पोर्टेबल हॉटस्पॉट का। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लूटूथ टेथरिंग का, इसको आपने ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल जिस कंपनी का है, जैसे ये मोबाइल रेडमी का है तो रेडमी वाले मोबाइल पर क्लिक करना है इस वाले मोबाइल से। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, इंटरनेट एक्सेस का, कॉन्टैक्ट शेयरिंग का। तो आपने सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरनेट जो है कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है इस वाले में। अब दोस्तों हम अपने YouTube को प्ले करके आपके सामने दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम किसी वीडियो को प्ले करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट आने का इश्यू रहता है। फिर भी हम थोड़ा सा प्ले करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लूटूथ से इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है मेरे इस मोबाइल में। अब आप ऊपर की साइड यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने यहाँ से ना ही वाईफाई ऑन किया है ना ही मोबाइल डाटा ऑन किया है, और आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जो है इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। यदि दोस्तों आप भी करना चाहते हैं, यही ट्रिक करनी है, अपने सेकेंड मोबाइल का इंटरनेट ऑन रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस वाले मोबाइल का इंटरनेट ऑन किया था। इस मोबाइल से दोस्तों मैंने इस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का एक्सेस लिया था। तो दोस्तों आप ब्लूटूथ के जरिए दूसरे मोबाइल से इस वाले मोबाइल में इंटरनेट चला सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।